हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज निर्मल गुप्ता वेलकम टू संस्को क्लासेस। आई होप यू आर वेल और आप सभी अपना ध्यान रख रहे हैं पढ़ाई भी कर रहे हैं लेक्चर्स भी देख रहे हैं तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड मर्चेंट बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर दी बी एंड फॉर दी एम फॉर बी एंड फॉर एम स्टूडेंट्स बहुत बार जनरली फाइनेंस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सेपरेटली भी आपसे पूछ लिया जाएगा दैट शॉर्ट नोट्स में ठीक है कि कमर्शियल बैंक्स को एक्सप्लेन करिए या फिर मर्चेंट बैंक्स को एक्सप्लेन करिए अगर आप इसको सेपरेट वाइज भी जितना मैं बताने वाला हूँ उतना लिख के आते हैं तो आपके नंबर कहीं नहीं गए और डिफरेंस से पूछ लिया सो वेल एंड गुड फॉर यू स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इनके मीनिंग से दैट कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड सर्विसेज लाइक लोन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ओवरड्राफ्ट टू इट्स कस्टमर कमर्शियल बैंक क्या होता है एक तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की ओवरड्राफ्ट की लोन की इन सब की दे मेक मनी बाय लेंडिंग मनी टू इंडिविजुअल्स ये अपना पैसा कैसे कमाते हैं या अपनी अर्निंग कैसे करते हैं जब जो पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट करा है उस पैसे को ये आगे और कस्टमर्स को लेंड कर कर लोन की फॉर्म में देकर ठीक है एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन लोन और उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट को अर्न करके जबकि मर्चेंट बैंक क्या होते हैं दीज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज जो क्या करते हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज दे देते हैं टू हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स एंड लार्ज कारपोरेशंस को ठीक है दे प्रोवाइड सर्विसेज लाइक अंडर राइटिंग लोन्स इंडिकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ठीक ये शन की लोन की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आई होप आपको ये सब टर्म्स क्लियर हैं। अगर क्लियर ना हो तो आप पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है गवर्निंग बॉडीज का दैट कमर्शियल बैंक्स आर वर्किंग अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये गवर्न करते हैं ये काम करते हैं अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये आपसे डायरेक्ट एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जा सकता है ठीक है या अगर आप स्पेसिफिकली ऐसे पॉइंट्स को लिखकर आते हैं तो आपके मार्क्स ज़्यादा गेन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं इंक्रीज हो जाते हैं वाइल मर्चेंट बैंक्स आर कंडक्टेड एज पर सेबी गाइडलाइंस जबकि मर्चेंट बैंक्स काम करते हैं एज पर द सेबी गाइडलाइंस सर्विसेज ऑफर्ड कमर्शियल बैंक्स आर जनरली प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस कमर्शियल बैंक जनरली बैंकिंग सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं जबकि मर्चेंट बैंक्स प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज जबकि मर्चेंट बैंक जो होते हैं वो अपने कस्टमर्स को कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्लियर है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिस्क दैट रिस्क इन द केस ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर वेरी लेस कि रिस्क जो होता है कमर्शियल बैंक के केस में बहुत कम होता है वेर एज़ इन द केस ऑफ़ मर्चेंट बैंक इट इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल बैंक लेकिन अगर हम मर्चेंट बैंक के बारे में बात करें कमर्शियल बैंक के कंपेरेटिवली तो इसमें रिस्क के चांसेस ज़्यादा होते हैं।